बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हवाली रविवार फाइन नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा पाठमाला में कंप्लीट कर लिया है। पाठमाला में हमने एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे थे कि अगर हमें वर्ण विच्छेदन करना है, हमें शब्दों को अलग करना है, अगर हमें यहाँ पर ऐसे प्र दिया है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्र प्र। यहाँ पर हमें र नहीं दिखाई देता पर हम लोग र का उच्चारण करते हैं, तो इसका हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा, प प्लस र प्लस अ, राइट। एक हमने प्र ग्र वैसा देखा था, जैसे कि ग्र तो ग प्लस र प्लस अ, अगर यहां पर कोई मात्रा होगी ग्रा तो हम करेंगे आ, डन। और दूसरा वर्ण विच्छेदन हमने देखा था आ वाला, जैसे कि मां तो उसके अंदर है मा प्लस आ, राइट। तो ये भी हमने देखा था, जैसे कि आंख आंख तो आ एक ऑलरेडी स्वर है तो उसको वैसे ही रखना होता है, प्लस ख प्लस अ, राइट। ये भी हमने सीखा था। और एक हमने ये सीखा था कि अगर कोई स्वर से शब्द बनता है तो उस स्वर के साथ और कोई स्वर नहीं जुड़ता, जैसे कि आओ, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आ प्लस ओ, राइट। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेदन होगा। तो ये हमने सब कुछ पाठमाला में देखा था, राइट। आज के सेशन में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। कहां पर, अभ्यास पुस्तिका। और अभ्यास पुस्तिका में करने से हमारा ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, मैंने इसका पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है और आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 3 उस वीडियो में सबसे पहले सारे क्वेश्चन समझने हैं और फिर लिखने हैं, डन। तो राइट नाउ स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अंकुर भाग 4 चैप्टर नंबर 3 पेंसिल बोली, राइट, उसकी हम लोग आज अभ्यास पुस्तिका करने वाले हैं। पेज नंबर 12, 13 और 14। सबसे पहला प्रश्न है पेज नंबर 12 पर, प्रश्न नंबर 1, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। क्या करना है इसमें, हमें शब्दों के क्रम है जो उलट सुलट गए हैं, हमें उसको ठीक करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे वाक्यों को एक बार रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कुछ गलत है, राइट। जैसे कि देखो, फर्स्ट वाला, बहुत तुम बुद्धिमान हो, तो देखो कैसा वाक्य है, बहुत तुम बुद्धिमान हो। तो दूसरा देखते हैं, मैं पेंसिल लाल रंग की तुम्हारी हूँ, मैं पेंसिल लाल रंग की तुम्हारी हूँ। थर्ड वाला देखते हैं, भव्य और शान का रंग चीन में माना जाता था पीले रंग को, वह गई रंग की लाल पेंसिल कहाँ। तो देखा आप लोगों ने इन वाक्यों को, ये बोलने में कैसे है, थोड़े से अशुद्ध है, यानी कि उसके जो शब्द है उसको ठीक से रखा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे वाक्य गलत है, राइट। बोलने में ये थोड़े से अशुद्ध है, राइट। तो हम लोग इसको ठीक कैसे करते हैं, तो चलो उसके आंसर के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि बहुत तुम बुद्धिमान हो, तो क्या है, बहुत
तुम बुद्धिमान हो तो उसका आंसर क्या आएगा? तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या वाक्य बनेगा? तुम बहुत बुद्धिमान हो। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। पहले इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी लाइन कर देते हैं ताकि हमें ये नजर ना आए। मैं पेंसिल लाल रंग की तुम्हारी हूँ। मैं पेंसिल लाल रंग की तुम्हारी हूँ। तो इससे बेहतर क्या बनेगा? मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। कैसे वाक्य सही रहेगा? मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। ग्रेट। ये वाक्य और ये वाक्य दोनों आप साथ में देखेंगे तो आपको सही वाक्य कौन सा लगेगा? ऑफकोर्स ये। राइट। मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। डन। नाउ देखते हैं थर्ड वाला सेंटेंस। भव्यता और शान का रंग चीन में माना जाता था पीले रंग को। तो सही वाक्य का क्या था? चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। राइट। ये वाक्य और ये वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है यानी कि सही क्रम में है? तो ये वाला वाक्य। राइट। जिसको बोलने से सामने वालों को सारी बात क्लियर हो जाए। राइट। ऐसे अशुद्ध वाक्य से कई बार वाक्य समझ में या तो बात समझ में नहीं आती। राइट। नाउ देखते हैं फोर्थ वाला। वह गई रंग की लाल पेंसिल कहाँ? तो ये एक प्रश्न वाक्य है। वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? राइट। हम ऐसा कहेंगे वह गई रंग की लाल पेंसिल कहाँ, बट हम लोग क्या कहेंगे? वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? राइट। चलो सारे वाक्य एक बार रीड करते हैं सारे आंसर वाले। तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ है? तो ये सारे वाक्य शुद्ध हुए यानी कि सही क्रम में हुए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। यानी कि हमें कोष्टक में दो दो आंसर दिए हैं, उसमें से कोई भी एक आंसर है वो सही है। राइट। तो चलो अभी हम लोग खाली जगह को पहले रीड करते हैं। तनिषा को डेज में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। तनिषा को डेज में यानी कि खाली जगह में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। तो कहाँ से मिली थी? उसे पुरस्कार में मिली थी या दंड में मिली थी? कहाँ पर मिली थी उसे? यस, उसे पुरस्कार में यह लाल रंग की पेंसिल मिली थी। तो इसका आंसर आएगा पुरस्कार। नाउ सेकंड वाला देखते हैं। चटकीले डेज रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। तो चटकीले कौन सा रंग था, लाल या पीला? तो पीला रंग तो चीन की भव्यता के लिए माना जाता था, पर तनिषा को पेंसिल में कौन से रंग की पेंसिल मिली थी? लाल रंग की। यानी कि चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। राइट। तो इसमें आंसर आएगा लाल। नाउ थर्ड वाला देखते हैं। मैं डेज लाल रंग की पेंसिल हूँ। मैं तुम्हारी या तुम्हारा? तो अगर समझ में नहीं आता तो दोनों आंसर हम लोग रख के देख सकते हैं कि कौन सा वाक्य सही रहेगा। मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। मैं तुम्हारा लाल रंग की पेंसिल हूँ। तो ये पेंसिल है ना, वो स्त्रीलिंग रूप है, नारी जाति। पेंसिल कहाँ गई हमेशा कहते हैं, इसलिए इसमें तुम्हारी आएगा। राइट। मैं
तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। राइट, उसके बाद देखते हैं पहली अमेरिकी पेंसिल का निर्माण वर्स डेज में हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था, 1812 या 1912? यस, पहली पेंसिल अमेरिकी पेंसिल की खोज यानी कि निर्माण 1812 में बनी थी। राइट, सबसे पहले में क्या आएगा आंसर, चलो सारे आंसर हम लोग एक बार रीड करते हैं पूरी ब्लैंक के साथ। ओके, तनीषा को पुरस्कार में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। उसके बाद देखते हैं चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। उसके बाद पहली अमेरिकी पेंसिल का निर्माण वर्ष 1812 में हुआ था। राइट, तो ये थे हमारे खाली जगह। नाउ उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कौन सा क्वेश्चन है कि समान अर्थ वाले शब्दों पर लाल रंग से गोला लगाइए। क्या करना है हमें, लाल रंग से गोला लगाना है। राइट, तो चलो समान अर्थ वाले शब्द यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। सबसे पहले है मुश्किल, तो मुश्किल को क्या कहेंगे हम लोग, समाधान, परेशानी या उलझन, क्या कहेंगे हम लोग, मुश्किल यानी कि समाधान तो नहीं होता, समाधान यानी कि मुसीबत का हल, तो वो तो नहीं आएगा। उलझन यानी कि कोई भी बात में हम लोग उलझ गए हैं वो, तो यहाँ पर मुश्किल यानी कि क्या होगा आंसर, परेशानी। क्या होगा, परेशानी। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा, दिन, तो दिन का मतलब क्या होता है, वार, रात या शाम, क्या आएगा। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अगर इस तरफ दी मात्रा की गई है तो उसका मतलब डे होता है, पर जब दी की मात्रा दीर्घ होती है तो उसका मतलब होता है गरीब। इस प्रकार का दिन होगा तो उसका मतलब होगा गरीब। राइट, तो यहाँ तो ह्रस्व मात्रा ही है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, दिन का मतलब आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है। राइट, तो आंसर आएगा वार। ना उसके बाद देखते हैं शुरुआत का दूसरा अर्थ, प्रारंभ, अंत या खत्म। तो अंत और खत्म वो तो पूरे होने की बात है, और यहाँ पर तो शुरू होने की बात है, तो आंसर आएगा प्रारंभ। फिर देखते हैं शुभकामना, शुभकामना यानी कि आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीष, तो उसका मतलब होता है ब्लेसिंग। किसी का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, आशीष लेते हैं, पर किसी को हम लोग जब शुभकामना देते हैं तो उसका मतलब होता है बधाई। क्या होता है, बधाई। राइट, नाउ चलो अभी इसके आंसर हम लोग साथ में एक बार देख लेते हैं। मुश्किल यानी परेशानी, दिन यानी कि वार, शुरुआत यानी कि प्रारंभ, और शुभकामना यानी कि बधाई। राइट, तो ये थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए। कैसे शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी कि क्या होगा, विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। मैं कई बार बोलती हूँ कि आप लोगों को खास का याद रखना है, समान अर्थ वाला यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, और विलोम यानी कि उससे उल्टा शब्द। राइट, तो सबसे पहले पुरस्कार और दंड। पुरस्कार यानी कि किसी को जो इनाम मिलता है वो, तो उससे उल्टा किसी को दंड मिलता है, तो पुरस्कार का क्या होगा, दंड। फिर है सुंदर, तो उसका कुरूप, कोई बहुत सुंदर दिखता है तो कोई कुरूप, कुरूप यानी कि अच्छा नहीं दिखता। कदरूप, कदरूपा, गुजराती में आपने कहिए ना कदरूपा। राइट, वही।
फिर है बुद्धिमान। कोई बुद्धिमान होता है तो कोई कैसा होता है, मूर्ख। फिर मुश्किल, तो उसका दूसरा अर्थ होगा आसान। अगर कोई काम मुश्किल है तो कोई काम आसान है, तो हुआ उससे उल्टा, राइट। फिर है आसान, तो उसका उल्टा कठिन भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने देखा कि मुश्किल भी हो सकता है, आसान तो कठिन, या तो मुश्किल भी चल सकता है, राइट। फिर है बहुत, बहुत उसका उल्टा होगा कम, क्या होगा कम। फिर उसके बाद है सुबह, तो उसका उल्टा शाम। बड़ी छोटी, कोई बड़ी व्यक्ति है तो कोई छोटी व्यक्ति है, तो हुआ ना विलोम शब्द। फिर है अपना पराया, कोई अपना होता है तो कोई पराया होता है। फिर जागना सोना, राइट। पुरस्कार दंड, सुंदर कुरूप बुद्धिमान मूर्ख, मुश्किल आसान, आसान कठिन, बहुत कम, सुबह शाम, बड़ी छोटी, अपना पराया, जागना सोना। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसी गिनती है, पहला दूसरा तीसरा, गिनती तो हमेशा किस प्रकार होती है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो कुछ अलग ही है, चौथा पांचवा छठा, तो ये कैसी गिनती है। तो ये अगर हम लोग अगर हम लोग कोई पहला काम करते हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमने एक काम किया, हमने पहला काम किया, तो हम लोग वहाँ पर एक की जगह क्या करते हैं, पहला लिखते हैं। अगर किसी का सेकंड नंबर आया है तो ऑफकोर्स हम लोग इंग्लिश मीडियम में होंगे तो हम लोग सेकंड नंबर बोलेंगे, पर हिंदी में बोलना होगा तो हम लोग कहेंगे कि दो नंबर आया मेरा, दो नंबर। पर हम लोग नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, हमारा दूसरा नंबर आया है। फिर वैसे ही हम कहेंगे कि मेरा तीन नंबर आया, तीन नंबर आया, हम क्या कहेंगे कि हमारा तीसरा नंबर आया है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। एक याद इसमें ये रखना है कि जहाँ पर वाव आता है उसके ऊपर अनुनासिक लगाना जरूरी है, राइट। तो ये ऐसी गिनती है जो हम लोग कई बार वाक्य में अलग प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। तब हम लोग 1 2 3 4 5 11 या 18 वह लगाते नहीं है। आज मेरा 14वां जन्मदिन है, आज मेरा 16वां जन्मदिन है, राइट। तब हम ऐसा नहीं कहते कि आज हमारा 16वां जन्मदिन है, राइट। ऐसा हम लोग नहीं कहते, राइट। तो इस प्रकार इस गिनती को कई बार हम लोग हमारे वाक्य में यूज करते हैं, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा और दसवा। वैसे ही 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, राइट। तो इस प्रकार कई बार हम लोग गिनती का उपयोग करते हैं, राइट। नाउ हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, थर्ड ऊपर ऐसे लिखते हैं ना, फिर हम लिखते हैं फोर्थ, मैं फोर्थ में हूँ, क्या कहते हैं, फोर्थ में। और गुजराती मीडियम में हो तो आपणे शुं कहीए, हूँ चौथू भणू छू, शू लगाड़ी आपणे, तो हूँ चौथू भणू छू, राइट। तो जैसे कि हम लोग गुजराती में थू, पांचमू, छठू, सातमू, म, क्या, थ, एवं लगाड़ीए, અને ઇંગ્લિશમાં આપણે સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ બધામાં TH લગાડીએ, રાઈટ। એવી જ રીતે આમાં વા લગાડવાનું હોય, રાઈટ। નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 6। તનિષા કી તરહ ક્યા આપ ભી સપને દેખતે હે, અપને કિસી એક સપને કો 4-5 વાક્યો મેં લિખીએ। તો યે આપ લોગો કો ખુદ કો કરને હે, ક્યોંકી આપ ક્યા સપને દેખતે હે વો आप लोगों को
खुद को पता होगा, राइट? ओके, मुझे तो नहीं पता होगा कि किसको क्या सपने आते हैं, पर आप अपने सपने कोई भी, जैसे कि देखो तनिषा को इसमें कैसे बहुत सारी बातें पता चली, राइट? तो वैसे अगर हम लोग, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी बुक या कुछ भी रीड करते हैं तो फिर वो ही हमें सपने में आता है, राइट? तो उस प्रकार कोई एक छोटी सी ऐसी बात है जो आप लोगों ने कई बार सपने में देखी है या तो आपने कई बार महसूस की है, तो वो आप लोगों को थोड़ी सी बात उसको 4-5 वाक्य में यहाँ पर लिखनी है। डन। तो नाव यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका हमारी कंप्लीट होती है। ओके देन, थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, राइट? नाउ आपको सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे हमें समान अर्थ वाले शब्द, विलोम अर्थ वाले शब्द खास याद रखना है, वाक्यों को क्रम में कैसे रखना है, क्योंकि अगर हम लोग वाक्य को क्रम में नहीं रखेंगे तो हमारे वाक्य अशुद्ध होंगे, राइट? और फिर हमने ब्लैंक्स भी देखी, हमने सपने, अगर हमें कैसा सपना आता है कुछ उसके बारे में 2-3 लाइन करनी है। अगर आप लोगों को ज्यादा जगह चाहिए तो आप लोग नीचे एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट नाउ इसी के साथ आप लोगों को चैप्टर 3 एंड वर्कशीट भी मिल रही है, राइट? उसमें जो भी सारे क्वेश्चन है वो पहले ध्यान से देखने हैं, समझने हैं, और फिर आप लोगों को उसके आंसर टिक करने या तो लिखने हैं, राइट? और नाउ नेक्स्ट जब सेशन होगा तब इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। डन। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीवन।